कुछ उसमें राधिका जाजू ऊर्जा सचिव थी, उनका स्टेटमेंट आज भी हमारे पास है। उन्होंने कहा कि इस विभाग में जूनियर इंजीनियर के डिजिटल का पदों पर कुछ स्वीकृति मिल चुकी है। 4 साल पहले वित्त स्वीकृति मिल चुकी है। अरे जब वित्त स्वीकृति मिल चुकी है तो ये विज्ञापन जारी क्यों नहीं हो रहा है? वित्त स्वीकृति तो मैं होता है, अगर वो जारी है, वित्त स्वीकृति मिल चुकी तो विज्ञापन क्यों नहीं जारी हो रहा है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2020 और 21 फर्स्ट में जब एलटी प्रवक्ता की भर्ती निकली थी, उन भर्तियों में क्या हुआ? चलो वो भर्तियां हुई पर उसमें कई सैकड़ों पद खाली है, उनकी वेटिंग नहीं निकाली। उसके अलावा नई विज्ञप्ति जो निकलनी है उनके अध्याचन गए। अब सुनिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री धामी जी, सचिवालय में बैठे इनके अधिकारी और आयोगों में बैठे अधिकारी, खुद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष है मार्तोलिया जी, उन्होंने कैलेंडर जारी किया और कहा कि 10 मार्च 2024 को एलटी विषयों पर, समस्त विषयों पर, एलटी के समस्त विषयों पर आपकी परीक्षा होनी है। आज 2 मार्च है, अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ। अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ तो 10 मार्च को कैसे परीक्षा करवा दोगे? सबसे पहली शर्त हमारी यही रही थी कि युवाओं के समय को कैसे बचाया जाए कि एक वार्षिक कैलेंडर जारी हो। वार्षिक कैलेंडर जारी तो हुए दोनों आयोगों के, पर उन कैलेंडरों पर तय सीमा में जो चीजें लिखी गई वो नहीं हुई। हम ये कहना चाहते हैं कि जब अध्याचन आपके वहां पर है तो आज तभी उठ कर जाएंगे जब विज्ञापन उनके वेबसाइट पे अपलोड होंगे। अध्याचन आज तो नहीं है। मार्तोलिया जी आज विज्ञापन जारी करेंगे तभी यहाँ से उठेंगे। यहाँ पर प्रशासन के जो लोग जिम्मेदार लोग हैं, कोई पुलिस के बड़े अधिकारी हैं या प्रशासन से कोई बड़े अधिकारी आए हैं, ये मैसेज जरूर पहुंचा दीजिए कि 4 महीनों से अध्याचन आयोगों में पड़े हुए हैं। अगर वो अध्याचन जारी होते हैं, वो विज्ञप्ति जारी होती है, तभी उठेंगे, नहीं तो आप हमें यहाँ से उठा भी दोगे। अब तब तक बैठेंगे नहीं जब तक ये विज्ञापन जारी नहीं होगी, या जब तक जो फर्जी नियुक्ति देने वाली जो सरकार है ये असली नियुक्ति नहीं दे देती है। या जिस प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूँ, एलटी में एक कला विषय का भी अलग भिन्नताएं हैं, उसमें जिस प्रकार से कैबिनेट में मामला लाकर वो सुलझाया गया, तो हम ये कहना चाहते हैं कि सचिवालय में कैबिनेट हुई थी, वो कैबिनेट भी देहरादून के भीतर है और आयोग भी देहरादून के भीतर है। यहाँ से आयोग जाने की दूरी 15 मिनट की है। 10 दिन हो गए हैं पर वो नियमावली वहां नहीं पहुंच पाई है। हम चाहते हैं कि उस नियमावली को वहां पहुंचाकर सभी का विज्ञापन वहां पर जारी हो और तमाम प्रकार की जो चीजें हैं, जो सीबीआई मांग को लेकर बैठे हो, स्वामी जी ने तो कहा था कि अगर सीबीआई करवा देंगे 5 साल 6 साल 7 साल तब तक परीक्षाएं नहीं होंगी। अरे मान्यवर, क्यों नहीं होंगी? क्यों नहीं होंगी? हम तो ये कह रहे हैं जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी भर्ती थी उनकी करवाइए। 2015 में बड़ौदा भर्ती का हाल देख लीजिए, 2015 में ठीक है, आज जांच एजेंसियां तुम्हारी है, आज मीडिया तुम्हारी है, आज पुलिस तुम्हारी है, परंतु ये बात सुन लीजिए, जो कांटे तुम हमारे लिए बो रहे हो ना, हम तो उन कांटों पर चल रहे हैं। कल के दिन अगर हमारी तारी कांटे बोने की आएगी तो तुम शायद उस कांटों पर नहीं चल पाओगे। ये मैं कह रहा हूँ। 2015 दरोगा भर्ती देख लीजिए, जिन दरोगाओं को केसदारी डेरीदारी लिखनी नहीं आ रही है उनको भी क्लीन चीट दे दी है। अरे किस और इस प्रदेश को ले जाना चाह रहे हो? हमारे किसी से दुश्मनी नहीं है, हमें यह भी नहीं पता कि कौन इसमें धनी से आया है, कौन मेहनत से आया है, पर हाँ ये जरूर कहते हैं इस देवभूमि के भीतर जो गलत तरीके से आए थे उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। आज शायद आप इस बात को नहीं समझोगे पर मैं इस पीड़ा को जरूर बताऊंगा। जो दरोगा उन धांधली वाले दरोगों की वजह से उस समय बाहर होंगे हुए होंगे ना, मेरे को परसों शादी में एक व्यक्ति मिला, वो बिल्कुल चेहरा मुरझाकर मेरे पास आए। मैं एक शादी में गया था 2-3 दिन पहले, तो भाई जी वो 2015 दरोगा भर्ती मेरा भी था और मेरा पॉइंट कुछ से रुका है, और आज मैंने कहा क्या कर रहे हो कि भाई जी मजदूरी कर रहे हैं। तो तुम्हें उस बात को समझना पड़ेगा कि एक गलत व्यक्ति के अंदर जाने से एक गलत व्यक्ति अंदर तो चला गया,
पूरे 7 साल तक भ्रष्टाचार करेगा, पूरे 7 साल तक चरित्रहीनता करेगा। सुना उसने क्या किया, एक ऐसे व्यक्ति को मजदूरी करने छोड़ दिया जो योग्य था, जो योग्य था, जिसके वहां पर योग्यता होने के बाद उसे बाहर किया गया। आज वो मजदूरी कर रहा है, शादी नहीं हो पा रही है, उसके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। आप बताइए कैसे कैसे लोगों को यहाँ पर झटके लगे हैं। ये गहराई से सोचने वाली बात है यार। हम चाहते हैं जिसके अंदर योग्यता है, हमारे अंदर अगर योग्यता नहीं है सरकारी नौकरी की, हमें नहीं चाहिए। जिसके अंदर अंदर योग्यता है वो कोई भी हो, उसको उसका हक मिलना चाहिए, उसको अधिकार मिलना चाहिए। ये पारदर्शिता की लड़ाई है। परसों आरओ का रिजल्ट निकलता है। इतिहास में पहली बार, उत्तराखंड के नहीं पूरे भारत के इतिहास में पहली बार मैं ये बता रहा हूँ, सामान्य वर्ग की जो कटअप है 107 गई है। इतना ही नहीं, ओबीसी की कटअप 107 गई है, एसटी की कटअप 107 गई है, कटअप 107 गई है। अरे मैं तो चौंका में रह गया, हम तो पैरों तले चले उठक गई जब देखा सारे कैटेगरी की सामान्य जाति 107 जो कैटेगरी सबकी है कि जैसे कटअप चल क्या रहा है। हम ये समझाना चाहते हैं चल ये रहा है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को हमारे नेताओं ने, हमारे सरकारों ने धांधली का अड्डा बना दिया है। धांधली का अड्डा इसलिए बनाया है जो करोड़ों रुपए जो चुनाव में लगाने होते हैं ना, अब इनके जो जनप्रतिनिधि है तो 5 साल में एक बार चुनाव के समय आते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि जनता उन्हें ऐसी वोट दे देगी। तो वहां से जो उधर कटाई करते हैं, जो करोड़ रुपए के पेपर बेचते हैं, वो चुनाव में पैसा लगता है। ये आप लोगों को समझना पड़ेगा, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा, इस गहराई को समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से चीजें चल रही है। हमने ये कहा कि लोक सेवा आयोग का बोतल का अति बोतल का अधिकारी पकड़ा गया, वो चतुर्वेदी आज सुपरवाला जेल में है। हम जो जेल में रहे आप लोग भी पहले तुम्हारा मुर्खा मिला, जो मुर्खा सरगना बताया जा रहा था लखनऊ का, वो हमें मिला, हाकम सिंह हमें मिला,